अगर जंगल से धुआं दिख रहा है आपको दूर से, आप किसी पहाड़ पर खड़ा होकर देख रहे हैं कि बहुत दूर जंगल में धुआं उठ रहा है, तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कि वहां पे आग लगी होगी? तो ये आपका क्ल्यू है। क्ल्यू क्या है कि अगर अगर आपको कहीं पे स्मोक दिखता है तो आप कहोगे कि वहां पे फायर होगी। उसी तरह से बहुत शुरुआत से इंसान ये देख रहा था कि किसी चीज़ को अगर ज़्यादा फोर्स लगा दे तो ज़्यादा तेजी से भागती है, और इससे लोगों को ये अंदाज़ आया कि जो वेलोसिटी है, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके पीछे फोर्स ही जिम्मेदार होगा, नहीं तो चीज़ें तो पड़ी रह जाती है, और पड़ी हुई चीज़ों को अपने आप मूव नहीं करेगी जब तक कि आप उसको फोर्स नहीं लगा देते हो। या फिर कोई चीज़ गति में है तो उसके ऊपर फोर्स लगाया गया होगा, नहीं तो वो मूव नहीं करेगी। ये वाला अंदाज बिल्कुल रॉन्ग था, ये रॉन्ग क्ल्यू था, और इस रॉन्ग क्ल्यू ने हमें फिजिक्स की समझ को हमसे इस रॉन्ग क्ल्यू ने फिजिक्स की समझ को इंसानों से हजारों सालों तक छुपाए रखा, यानी इंसान को पता नहीं चलने दिया कि फोर्स दरअसल क्या है। फिर आए गैलीलियो, और गैलीलियो ने यह कहा कि देखो, चीजों को मोशन में रखने के लिए दरअसल फोर्स की जरूरत ही नहीं है। किसी भी चीज को अगर आपको मूवमेंट में रखना है, कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है, तो आपको फोर्स की जरूरत नहीं है। जिस तरह से स्टेट ऑफ रेस्ट ये एक नेचुरल स्टेट है, उसी तरह से मोशन भी एक नेचुरल स्टेट है। तो फिर यहां गैलीलियो ने बता दिए कि फोर्स की जरूरत नहीं है वेलोसिटी के लिए, जबकि इन सब चीजों को न्यूटन साहब ने एक जगह लेकर आए। न्यूटन ने इसको फॉर्मुलेट कर दिया, किताब में लिख दिया, इसको स्टेप बाय स्टेप लिख कर बताया। तो उन्होंने फर्स्ट रूल बताया था जो ये था कि द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं बॉडी पर, तब तक बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन की अवस्था में रहेगी, क्योंकि दोनों अवस्थाएं नेचुरल हैं। और इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं, और जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा, उतनी ये टेंडेंसी ज्यादा होगी। उसी को अलग शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो उससे हमको पता चला कि फोर्स क्या होगा। दरअसल पहला जो स्टेटमेंट था न्यूटन का, फर्स्ट लॉ जो था मोशन का, वो हमें बताता है कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या है? ये ऐसा इन्फ्लुएंस है, पुश है या पुल है, जो बॉडी में वेलोसिटी का चेंज लाएगा। इट विल कैरी द चेंज इन वेलोसिटी, या एटलीस्ट ट्राई टू चेंज, है ना, वेलोसिटी को चेंज। वेलोसिटी को बनाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद में सेकेंड लॉ लिखा गया कि क्योंकि अब वेलोसिटी के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, तो फिर फोर्स की जरूरत किस बात के लिए है? ये सेकेंड क्वेश्चन उठा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमको न्यूटन ने दिया सेकेंड लॉ में। उन्होंने कहा कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इस फोर्स से आएगा। फोर्स से क्या होगा? मोमेंटम बदलेगा, और उसका बदलने का जो रेट होगा वो उस फोर्स के बराबर होगा, और फोर्स के डायरेक्शन में होगा। इसको लिखा कैसा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। रिमेंबर, यहां पर भी फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे मेरे बॉडी पर फोर्स है, मतलब मेरा वेट जो है वो इस फ्लोर को दबा रहा है नीचे, और बदले में फ्लोर मुझे रिएक्शन दे रहा है ना। अब दोनों बैलेंस हो गए, अनबैलेंस फोर्स नहीं है मेरे बॉडी पर, इसलिए मैं बिल्कुल अपने यूनिफॉर्मिटी में हूं बैलेंस फोर्स की वजह से। अगर समझो मेरा फोर्स ज्यादा होगा, रिएक्शन कम मिला, तो छत को तोड़कर, फर्श को तोड़कर मैं नीचे चला जाऊंगा। खैर, तो चेंज इन मोमेंटम तभी आएगा जब यह अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। और थर्ड लॉ कहता है
कि टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इससे आप भली भांति परिचित भी हैं। चलो अब हम देखते हैं ये इम्पल्स क्या चीज होती है। जब हम फोर्स के बारे में जान ही रहे हैं तो फोर्स तो पता चल गया आपको क्या होता है। तो फोर्स बेसिकली पुश और पुल होता है, जो बॉडी को बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने का प्रयास करेगा या फिर चेंज कर देगा। खैर तो अब होगा ये कि अभी अब तक हम कहते हैं कि बॉडी पर चलो फोर्स अप्लाइड इज 5 न्यूटन या फोर्स अप्लाइड इज 10 न्यूटन। तो यू कैन टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ फोर्स इफ इट इज कॉन्स्टेंट। पर बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक नेल लिया और नेल को पॉन्डिंग कर रहा हूँ, हथौड़े से हैमरिंग कर रहा हूँ, तो उस समय जब हैमर मैंने मार दिया तो मेरा जो फोर्स है वो कुछ समय में हाई से लो हो गया। मतलब मैंने ऐसे मारा तो मारते बराबर समझो 100 न्यूटन रहा होगा, तो 100 न्यूटन तुरंत में 0 न्यूटन हो गया। तो देर इज अ वेरी क्विक चेंज इन अ फोर्स। तो फोर्स वेरी हो रहा है तो फिर आप कौन सा फोर्स कंसिडर करोगे, विच फोर्स विल यू कंसिडर, वह शुरुआत वाला 100 या लास्ट वाला 0 या बीच वाला 50, कौन सा? तो ऐसे में इट इज नॉट इजी टू टॉक अबाउट द फोर्स। तो फिर हम क्या करते हैं, फोर्स का एक प्रभाव जानने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स और इसको डिनोट करते हैं जे से, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इम्पल्स क्या होगा, हम कर रहे हैं क्योंकि फोर्स इज वेरिंग एंड इट इज एक्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, तब तो वेरिंग फोर्स का इम्पल्स क्या निकालेंगे हम, तो फोर्स इनटू टाइम इज अ इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम इज अ इम्पल्स। तो ये बात समझ में आ गई, ओके। अब ये चलते चलते एक बात और मैं बता देता हूँ, इम्पल्स समझ गए आप तो ये बता समझ जाओ आप कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो अगर हमारे पास में फोर्स है तो व्हाट इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और उसको डिवाइड करेंगे आप टाइम से। तो जब कोई आप टाइम से डिवाइड करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाट इज इट्स चेंज विल बी ऑब्टेन, और उसी को रेट कहते हैं हम। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम समझो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास कैन बी टेकन कॉमन एंड वी माइनस यू बाय टी कैन बी टेकन इन वन ब्रैकेट, और वी माइनस यू बाय टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो अब ये क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। हालांकि ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के बावजूद भी यहाँ जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो आता है 1, इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? तो एक दरअसल आपको एफ इज इक्वल टू एम ए मिला, ओके। और यहां पर एफ इंटू टाइम इज इक्वल टू जे, F into time is equal to J और F is equal to MA, ये दिखने को एक जैसी चीजें दिखेगी। जैसे फोर्स को कर दो तो J divided by time आ जाएगा आपका, मतलब इम्पल्स by time is equal to force, और another formula force is equal to M into A, ये numerical solve करने के आपके काम आएंगे। तो जब फोर्स की बात चली तो हम एक और बात समझ लेते हैं कि कुछ फोर्सेस रियल होती है और कुछ फोर्सेस इमेजिनरी, मतलब होती ही नहीं, हम उनको इमेजिन करते कि भाई इस टाइप का एक आधा फोर्स होगा। तो देखिए जो रियल फोर्स होता है वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है, ये आपको पता चलता है, आपको पहले से पता होता है। मतलब रियल फोर्स जो होगा उसका ओरिजिन आपको पता रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो सकता है, या फिर हमने बॉल को किक किया तो हमने किक किया ये हमको पता है, तो वो उसका ओरिजिन हमको पता है कहाँ से आया। पर अगर कोई ऐसा भी होगा जो कहाँ से आया उसका ओरिजिन क्या यही पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये एक बस है, ओके, और ये आगे जा रही है, यहाँ इस बस में इस जगह पे एक बॉल रखा है,
नाउ ये बॉल अपनी जगह पे है, गाड़ी मूव कर रही है, अचानक इस ड्राइवर ने, यहाँ ड्राइवर ने ब्रेक दबा दिया। जैसे वो ब्रेक दबाएगा ये बॉल अपनी जगह से ही लेगा और आगे जाएगा, है ना। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट आगे तब जाएगा जब उसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स पड़ेगा। उसमें अचानक से मोमेंटम कहाँ से आएगा, आगे की तरफ का मोमेंटम अगर आता है तो वह उसके लिए एक इधर साइड से फोर्स चाहिए, इस साइड से। क्या आपको दिख रहा है इस साइड से कोई फोर्स? नहीं, तो भी ये आगे जा रहा है, मतलब न्यूटन का लॉ फेल हो जाएगा। न्यूटन का लॉ फेल नहीं जाना चाहिए कि आप यहाँ एक इमेजिन कीजिए, झूठ मूठ का एक फोर्स इमेजिन कीजिए जिसे आप सूडो फोर्स कहेंगे। रियल की जगह आप क्या कहेंगे इसको? सूडो फोर्स। मतलब इसका आपको ओरिजिन इज नॉट नोन, ओरिजिन इज नॉट नोन, मतलब होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, होता ही नहीं उसका ओरिजिन कुछ, हमने कल्पना करना है बस। ये है ना, जैसे बस को अगर टर्न करते हैं, टर्निंग पर बस जब ड्राइवर टर्न करता है तब वो पैसेंजर जो होते हैं वो बाहर की तरफ ऐसे धकेले जाते हैं। आप अगर खिड़की के पास हो तो आप ऐसे इस तरह से खिड़की की तरफ हुए होंगे, तो उसमें भी आपको खिड़की की तरफ पुश करने वाला फोर्स नहीं दिखेगा आपको, वहाँ पर भी ऐसा कोई ओरिजिन नहीं दिखेगा फोर्स का, कहाँ से आया कैसे आया, तो उसको भी आप सूडो फोर्स कह सकते हो, है ना। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया, एग्जाम्पल क्या है? द पैसेंजर्स पैसेंजर्स आर पुश्ड रेडियली आउट, रेडियली आउट फेन बस टेक्स टर्न अबाउट गॉड पाथ। तो ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये ब्रेक वाला भी एक एग्जाम्पल सामने है। तो इस तरह से हम रियल और को अलग अलग समझ सकते हैं, ठीक है। तो पर और ज़्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ लेंगे, है ना। तो अभी मैं आपको ये बता कि फोर्सेस है कितने। तो सारी दुनिया को मिलाकर पूरी यूनिवर्स में सिर्फ चार प्रकार के फोर्सेस अवेलेबल हैं, चार प्रकार के फोर्सेस बस, और इन चार प्रकार के फोर्सेस से ही पूरा संसार चल रहा है ना, मज़ेदार। वी विल कॉल इट फंडामेंटल फोर्स, तो हम उनको भी फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। तो हमारे पास में ऐसे फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं, फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं? तो अभी आपने अभी तक कुछ फोर्सेस पढ़े भी होंगे और कुछ के नाम सुने होंगे, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिख देता हूँ कि हमारे पास में फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला फोर्स मैं आपको बता देता हूँ कि वो ग्रेविटेशन का है, और आपने इसके बारे में कई जगह पढ़ा भी होगा, इसके पहले के स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। ये न्यूटन ने बताया था कि हर बॉडीज के बीच में, यूनिवर्स में कोई भी बॉडीज ले लो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन कहलाएगा। तो ये सिर्फ इसका नेचर क्या है, ओनली अट्रैक्टिव नेचर है, मतलब ओनली अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, किसके बीच में करेगा, बिटवीन एनी टू बॉडीज, किसी भी दो बॉडी के बीच में ये एग्जिस्ट करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है ग्रेविटेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन काइंड ऑफ फोर्स है, इसमें रिपल्शन का कोई रोल नहीं है। दूसरा, ये बिटवीन एनी टू बॉडीज होगा, और इसका जो वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी गिवन बाय एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दैट इज, ये जो लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक बात है। और एक बात है कि आप कितना भी दूर चले जाइए ये ग्रेविटेशनल फोर्स का असर कम जरूर होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से कम होगा, पर जीरो कभी नहीं हो पाएगा, इट विल नेवर बिकम जीरो। दैट इज, हम इसको कहेंगे कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग रेंज है इसका फोर्स, ठीक है ना, ये फोर्स होगा लॉन्ग रेंज। अब दूसरा एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये दो नेचर का होगा, इसमें अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा। तो इसमें होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन,
कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस. अगर दो लाइक चार्जेस हैं, बिटवीन लाइक चार्जेस क्या होता है आप जानते हो क्या होता है ना, रिपल्सन होता है. और बिटवीन अनलाइक चार्जेस क्या होता है, क्या होता है, रिपल्सन. सो बिटवीन अनलाइक चार्जेस मिलेगा आपको, सॉरी अट्रैक्शन मिलेगा, बरोबर. अच्छा तो ये किसके बीच में होता है, इसका आंसर क्या है, इट एक्ट्स बिटवीन द चार्ज बॉडीज. और इसका फार्मूला कूलम्स ने बताया था कि ये जो वैल्यू है ये 1/4πε0Q1Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर होगा. हालांकि इस वक्त अगर आपने फार्मूला ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, क्योंकि फार्मूले पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. हमारा कॉन्सेंट्रेशन इस बात पे है कि दुनिया में ऐसे कितने फंडामेंटल फोर्सेस है जिनके ऊपर सारी दुनिया चल रही है. तो अभी हमने देखे दो फोर्सेस है ना. अब यहाँ पे इट आल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये सेम है ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सी, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाली. और तीसरी बात जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. और इसके बाद में अब हमारे पास में है न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स ये आपको डे टू डे लाइफ में तो नहीं मिलता है न्यूक्लियर फोर्स, पर आप इसको ऑब्जर्व करते होंगे बहुत बार, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रेडिएशन से हम इसको एनकाउंटर करते हैं इस फोर्स को. और न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये चीज़ें आपने सुने भी होगी. तो ये न्यूक्लियर फोर्स है. एक सवाल था कि अभी हमने इसमें देख लिया कि बिटवीन लाइक चार्जेस देर इज अ रिपल्सन. इसका मतलब अगर हम किसी एटम की बात करें तो एटम का सेंटर ये पूरी तरह से पॉजिटिव होता है, यानी सारे के सारे प्रोटॉन एक जगह पे होते हैं और फिर आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन होते हैं. हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी गैप है, पर इन प्रोटॉन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं होती है. तो ऐसे में वो सारे एक दूसरे को रिपेल करते क्यों नहीं, और रिपेल करके वो न्यूक्लियस टूट क्यों नहीं जाता. तो इसका जवाब आपको ये देगा न्यूक्लियर फोर्स. तो यहाँ न्यूक्लियर फोर्स टू काइंड्स के होते हैं, पहला है स्ट्रॉन्ग और फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो ये पता चला कि वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स वो छोटी सी जगह पे बंधे हुए रह जाते हैं. सो इट बाइंड्स ऑल न्यूक्लियॉन टूगेदर. तो ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियॉन के बीच में एग्जिस्ट करता है. और इसका रेंज जो है, रेंज इसका होगा 10^-14 मीटर का रेंज है. इससे ज़्यादा रेंज में ये काम नहीं करेगा, मतलब बहुत शॉर्ट रेंज. जैसे ये लॉन्ग रेंज है, इनका इन्फाइनाइट रेंज है, ऐसा इसका नहीं है. ये मतलब न्यूक्लियस के बाहर काम नहीं करता ये वीक फोर्स. अच्छा और भी एक चीज़ है कि अब आप सोचते होंगे कि ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन पॉजिटिव होगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा. तो बात दरअसल ऐसी नहीं होती है, वहाँ पर चार्जेस का भी आदान प्रदान होता है. न्यूट्रॉन कभी प्रोटॉन बन जाता है, प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन बन जाता है. तो इस तरह से आपस में एक्सचेंज चलता है. और इस एक्सचेंज के खेल को अगर पूरा करता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स, देयर इज वन मोर स्ट्रांग फोर्स जो इस वीक फोर्स के ऊपर ओवरकम करके भी कुछ ऑपरेशन कर सकता है, और दैट इज अ स्ट्रांग फोर्स. तो ये बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियॉन काम करता है. सो इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन के बीच के इंटरैक्शन के लिए ये वर्क करता है, और ये न्यूक्लियॉन को बांध के रखने के लिए काम में आता है. ठीक है, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है. तो ये वो फोर्सेस है जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है. तो लीनियर मोमेंटम ये मास इनटू वेलोसिटी से मिलता है. हम बता देते हैं डेफिनेशन. मोमेंटम is defined as product of mass and velocity. ठीक है, और इसको denote करते हैं p symbol से. तो p is equal to mass
इन टू वेलोसिटी, और आप देख रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। खैर, तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि उसका मोमेंटम कितना है या उसका इम्पैक्ट का कैपेसिटी कितना है। अगर मान के चलो एक ट्रक है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी भले ही कम हो, पर वो आकर टकराएगा किसी चीज़ को तो वो उसको बहुत नष्ट कर देगा, बहुत खराब कर देगा, है ना, क्योंकि वो ट्रक है। कोई साइकिल आकर किसी इंसान को टकराए तो आदमी नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें भले ही वेलोसिटी थोड़ी अधिक हो पर मास बहुत कम है। मतलब इससे हमको सीधे सीधे तौर पर पता चलता है कि कितना इम्पैक्ट करेगा, है ना, मोमेंटम से पता चलता है। और न्यूटन ने बताया भी था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट अ फोर्स, तो ये फोर्स पता करने के भी बहुत काम आएगा। खैर, तो अभी हमने ये देखा है कि हमको पता चला है कि ये जो मोमेंटम है ये कंजर्व होता है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है एक सिस्टम का, अगर बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हो। मतलब एक सिस्टम में अगर 10-12 चीज़ें भी है रखी हुई, तो उन सब चीज़ों को अगर आपस में टकरा दिए और फिर छोड़ भी दिए, तब भी बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन टोटल मोमेंटम जो रहेगा वो बरकरार रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ना ही वो बढ़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसका अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो आप कह सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट एनी मोमेंट किसी भी समय इज कंजर्व, यानी कांस्टेंट रहेगा, इज कंजर्व इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, बाहर से अगर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो टोटल मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन, दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो हमें ये इसको प्रूव करना है। तो हम एक तरह से प्रूव कर सकते हैं कि चलो दो बॉल है आपस में टकरा जाते हैं, लेट बॉल ए एंड बी कोलाइड, ठीक है, एंड इफ यू वन एंड यू टू आर इनिशियल वेलोसिटीज, and v1 and v2 are final velocities, ठीक है, इन बॉडीज के, मतलब करस्पॉन्डिंग ए और बी की, ए का इनिशियल वेलोसिटी u1 और ए का फाइनल वेलोसिटी v1, बी का इनिशियल वेलोसिटी u2 और उसका फाइनल वेलोसिटी v2। तो ये हमको पता है, और हम ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी जानते हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है कि ये बॉडी है ये इधर आकर टकरा रही है, ये बॉडी बी है ये इधर आके टकरा रही है, तो इफ इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी ए इज एफ ऑफ ए बाय द बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी बाय द ए, मतलब इस बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एफ ए बी है, और बॉडी बी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एफ बी ए है, तो ये दोनों इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, बिकॉज देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये अगर रिएक्शन मान लो तो ये रिएक्शन, और अगर इसको एक्शन मान लो तो ये रिएक्शन, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो अब अगर आप इसको लिखना चाहो तो दिस इज द फोर्स, एंड फोर्स कैन बी ऑब्टेंड बाय द फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज dp बाय dt, और ये हो जाएगा, ये किसके लिए, बॉडी ए के लिए, है ना, और ये माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, dp
बाय डीटी एक दूसरी बॉडी के लिए बी के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये डीटी को मैं टी मान लेता हूँ क्योंकि मुझे टी ही लेना है टाइम इंटरवल करके। यहाँ डीपी की वैल्यू हो जाएगी पी टू माइनस पी वन बाय टी। अच्छा पी टू माइनस पी वन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि पी इज इक्वल टू एम वी, तो पी टू क्या हो जाएगा एम वी टू माइनस एम वी वन, मतलब इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि डी पी की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, ये होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डिवाइडेड बाय टाइम। इज दैट क्लियर। अब ये टी दोनों साइड में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम टू वी टू, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आप लिख सकोगे एम टू यू टू। यस एम टू यू टू को इधर लेकर आए या इसको इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा एम वन यू वन पॉजिटिव हो जाएगा इधर आ जाएगा तो, और ये एम टू यू टू इस साइड चला गया। अब इधर देखो क्या होगा, ये वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब यहाँ देखो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फाइनल मोमेंटम, और ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, और ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो ये दोनों बॉडीज का फाइनल आफ्टर द कोलिजन वाला है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, और ये मोमेंटम है इनिशियल ये दोनों बॉडी ए का और बॉडी बी का। तो ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इज दैट क्लियर। मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यस देर इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए इनके कुछ डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। तो इनिशियली ये गन और बुलेट दोनों की वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट इज जीरो इनिशियली, बट जैसे आपने गन को फायर कर दिया तो बुलेट को वेलोसिटी आ गई, बुलेट इस साइड में जा रहा है, समझो बुलेट का मास एम है और उसमें वेलोसिटी आ गई वी, तो एम वी से वो इधर जा रहा है, ठीक है। पर पहले कितना था, जीरो था, तो अब क्या होगा इतने ही मोमेंटम से गन इधर आएगा, यह समझो मास ऑफ गन इंटू वी डैश, यह अगर वी वन एम वन पकड़ लो तो इसको एम टू वी टू पकड़ लेंगे, तो ये जो मोमेंटम है जो बुलेट में आया उतना ही इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम गन के अंदर आएगा, तो बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगी, तब जाकर दोनों का एडिशन जीरो कहलाएगा। मतलब इधर साइड के फाइव और इधर साइड के फाइव टोटल मिला दिए तो जीरो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ओके, यही कारण है कि जब बंदूक हम चलाते हैं तो हाथ को सीधा रखना पड़ता है, क्योंकि ये वापस ऐसे आने वाला है, तो ये जब वापस आएगा तो पूरी एनर्जी इस हाथ से इस कंधे में आ जाएगी, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आपने ऐसा हाथ रख के चलाया ऐसा, तो वो गन वो पीछे आती है मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, तो जैसे ही गन पीछे आएगी तो चेहरे पे लग सकती है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे किस तरह से हो रहा है। इसमें अगर ये वेलोसिटी निकाल दो, ये वेलोसिटी वेक्टर इनका निकाल दो, तो मुझे लिखना पड़ेगा किसी एक को पॉजिटिव और किसी दूसरे को नेगेटिव, तब जाके ये जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एम टू वी टू शुड बी इक्वल टू एम वन वी वन इन केस ऑफ द गन एंड बुलेट। यहाँ पे एम टू अगर गन लिए है तो वी टू गन का वेलोसिटी है,
और m1 अगर बुलेट ली है तो v1 बुलेट की वेलोसिटी है. तो दिस वॉज द एग्जाम्पल फॉर गन बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन. दूसरा है जंपिंग फ्रॉम बोट. अगर आपको याद होगा या फिर कुछ अनुभव होगा कि फेन यू जंप आउट ऑफ द बोट, बोट से जब आप बाहर कदम रखते हैं पानी के अंदर तो बोट आपका पीछे से रख जाता है क्योंकि आपके बॉडी को आगे का मोमेंटम आया, तो आगे के मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए पीछे का मोमेंटम जरूरी है. तो उतने ही इक्विवेलेंट मोमेंटम से जो बोट है वो पीछे चले जाएगी. तो दिस इज वन क्लासिकल एग्जाम्पल. अनदर मोशन ऑफ ए रॉकेट. आपने देखा होगा रॉकेट में क्या होता है कि ये है उसका टिप रॉकेट का जहाँ पे पेलोड होता है. एक्चुअली यहाँ पे सैटेलाइट या कोई भी अगर एस्ट्रोनॉट है तो वो इतने एरिया में बैठेगा, बाकी ये तो पूरा ही फ्यूल है. ये पूरा फ्यूल है. होता क्या है कि ये फ्यूल बाहर निकल रहा है, यहाँ से जलने के बाद में उसका गैसेस बाहर आ रही है. तो वो जो कंबंशन मटेरियल बाहर आ रहा है उसको नीचे की तरफ से मोमेंटम है, तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम इसको लगता है और ये ऊपर जाता है. इट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम. ठीक है. और साथ में ये भी होता है कि इसका मास कम हो रहा है, तो मास कम हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए वो एक्सेलरेट होता है ऊपर की तरफ. हर पल जब जब उसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट कांस्टेंट चाहिए. अगर मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी. ठीक है. और इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो ये रॉकेट में किस तरह से होता है आप भी समझ गए. अगर गैस नहीं होती तो किस आधार पर ये रॉकेट ऊपर जाता. अब देखिए ना, अगर मुझे आगे चलना है तो मुझे इस जमीन को या इस फ्लोर को पीछे धकेलना पड़ता है तभी मैं आगे जा पाता हूँ. उसी तरह से इस रॉकेट को किसी न किसी चीज़ को नीचे धकेलना पड़ेगा तभी इसको ऊपर जाने का मोमेंटम मिलेगा. तो वो चीज़ उसके पास अपने पास है, खुद के पास, और वो है उसका फ्यूल. तो फ्यूल को जलाने के बाद कंबंशन गैसेस नीचे आती है, बहुत फास्ट आती है, और वो नीचे की तरफ का मोमेंटम कैंसिल करने के लिए इसके अंदर ऊपर की तरफ का मोमेंटम आ जाता है. तो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और उसके बाद में एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब. तो बॉम्ब के अंदर एक्सप्लोजन किस तरह से होता है, तो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल होगा, इसके अंदर कोई भी केमिकल होगा एक्सप्लोसिव, जो बहुत जल्दी जल जाता है, बहुत जल्दी हीट जनरेट करेगा और साउंड जनरेट करेगा. और इसके अंदर छर्रे रखेंगे, कुछ तो भी मटेरियल रखेंगे, तभी ये बॉम्ब कहलाएगा. नहीं तो ये कोई भी प्रकार का एक्सप्लोसिव पावर नहीं रख पाएगा. जैसे ये ब्लास्ट होगा तो ये एक इधर गया, एक समझो इधर गया, तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट एक आना चाहिए तभी ये बैलेंस होगा. अगर ये किधर गया तो ये किधर आना चाहिए. इस तरह से पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो जीरो है, पर कुछ इधर है कुछ इधर है, इसकी वजह से जीरो है. तो जो पहले जब बम था एक्सप्लोड होने के पहले जो बम था उसका टोटल मोमेंटम जीरो था क्योंकि नो पार्टिकल वॉज इन मोशन. बट नाउ एज इट गेट्स एक्सप्लोडेड द पार्टिकल्स आर मूविंग फास्टर. तो देखिए ये अगर ग्राउंड है तो आप इसका ज्यादातर अंदाजे लगाइए, ये इस तरह से शूट करेंगे लाइक मल्टीपल बुलेट्स आर फायर्ड एट अ टाइम. बहुत ही डेंजर इफेक्ट होगा, पूरी दीवार ढह जाएगी इससे. और अगर ये नहीं है, ये लोहे के टुकड़े इसके अंदर नहीं है या कोई मेटल का टुकड़ा, मजबूत टुकड़ा इसके अंदर नहीं है, तो इसका एक्सप्लोजिंग पावर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब ये डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा. खैर तो अभी हम समझ गए ना, इसमें पार्टिकल अगर इधर जाता है तो दूसरा पार्टिकल इधर जाता है, इस तरह से आफ्टरऑल इसमें भी कंजर्वेशन होता है. अब देखो हमको वर्क डन निकालना तो आता है, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन आएगा. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये वेरी सिंपल है, ये मल्टीप्लीकेशन है. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि देखो भाई एक मिनट में, इन वन मिनट, फोर लीटर पानी एक बकेट में भरा जा रहा है. एक मिनट में फोर लीटर पानी भर रहे हैं. ठीक है. तो टेन मिनट में कितने लीटर होगा, हाउ मेनी लीटर. तो आप क्या करोगे, एक मिनट का फोर, तो टेन इंटू फोर करोगे तो आपको 40 लीटर पानी मिल जाएगा. वेरी सिंपल. बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको फोर्स दिया है 10 न्यूटन और आपको ये कहा गया है कि 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो आप कह सकते हो कि 10 इंटू 5 50 जूल का वर्क डन हुआ, 50 जूल का वर्क डन हुआ, ऐसे आप कह सकते हो. एनी डाउट?
बट अब थोड़ा सा मुश्किल केस लेते हैं। अगर इसकी जगह कि एक लमसम बराबर हिसाब से 4 लीटर की वैल्यू दे दी जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अचानक अचानक 1 मिनट होने तक 59 सेकेंड तक आपने इंतजार किया और फिर 1 मिनट हुआ कि अचानक से 4 लीटर वाटर दिखा आपको, ऐसा नहीं हो सकता ना। 2 मिनट हुए और अचानक से 8 लीटर वाटर दिखा आपको, ऐसा नहीं होगा। तो होगा ये कि ये जो वर्क डन है ये फिक्स कॉन्स्टेंट फोर्स से आप निकाल रहे हो, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन विल डू, बट इन जनरल फोर्सेस इतनी कॉन्स्टेंट नहीं होती है, फोर्सेस बहुत वेरी करते हैं। जैसे कि अगर मैंने स्प्रिंग को दबाया तो पहले तो स्प्रिंग आसानी से दब जाएगा, बाद में स्प्रिंग दबने को इनकार करेगा, रेजिस्ट करेगा, तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्प्रिंग को जब हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल है, या फिक्स फोर्स नहीं है। तो वेरिएबल फोर्स में क्या करेंगे, यहाँ पर दिक्कत समझने के लिए मैं ग्राफिकल नोटेशन निकाल लेता हूँ। तो देखिए, अगर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ निकाला और मान के चलो ये है डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस और ये है फोर्स का एक्सिस, ठीक है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट था तो आपने कांस्टेंट लाइन निकाली और डिस्प्लेसमेंट बढ़ते हुए दिखा दिया आपने। चलो मान के चलो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आया, तो आपने इसको इस तरह से क्लोज कर दीजिए और टोटल एरिया निकाल लीजिए। तो टोटल एरिया हो जाएगा फोर्स, ये हाइट है फोर्स के बराबर और ये लेंथ है यस के बराबर, ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो वर्क डन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर आपके पास है तो उसके कर्व के नीचे का एरिया निकाल लो, तो आपको मिल जाएगा वर्क डन। अच्छा, इस बात को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, पर अब ये फोर्स को फिक्स नहीं रखते, फोर्स को थोड़ा बदल देते हैं, वेरी करवा देते हैं। तो जब समझो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और ये है फोर्स का एक्सिस, बट फोर्स इज नॉट फिक्स, फोर्स इज लाइक दिस, तो फोर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ओके, तो ऐसे में फिर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है आपको, तो मैं ये थोड़ा सा रेड कलर का चॉक ले लेता हूँ, तो आपको ये एरिया निकालना है। मुश्किल आ गया कि नहीं अब, क्योंकि आसानी से वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ सम सिमेट्रिक फिगर्स। जैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के आदि हैं, हमें आता है अच्छे से निकालना, और हमें रेक्टेंगल का एरिया भी निकालने आता है, बट ये तो उन दोनों में कोई भी नहीं है। तो अब हमारे पास में एक आइडिया ये है कि मैं इसके स्ट्रिप्स बना दूं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिप बना दिया, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिप, एंड देन दिस इज अनदर स्ट्रिप और ये एक स्ट्रिप। तो जब मैं ऐसे स्ट्रिप बनाऊंगा तो ये इस तरह से दिखेगा। तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका और इसका एरिया जमा कर दूँ तो तकरीबन अच्छा खासा मुझे मतलब एरिया मिल जाएगा। हाँ, ये एरिया छूट जाएगा, दिस पार्ट ऑफ द एरिया विल लेफ्ट ओवर, इतने को मैंने हिसाब लगाया नहीं। अगर आपको उसका भी हिसाब लगाना है, ये एरिया जो छूट रहा है वो एरर कहलाएगा, उसको अगर आपको लेना है तो यू हैव टू डिक्रीज द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। तो मैंने इसको आधा कर दिया, ठीक है, तो अब देखो अब ज़्यादा एरिया कवर हुआ, ठीक है ना, अब मुझे ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। Now I can cover the larger area. अब जो छूटने वाला एरिया है वो कम हो गया। इस तरह से अगर मैंने उसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना दिए, कैसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स, जिसका विड्थ होगा डी एक्स, इनफाइनेटिजिमली स्मॉल विड्थ लूँ, तो ऐसा ये वो एरिया मिनिमाइज होते होते जीरो भी हो सकता है। हालांकि होगा नहीं, पर मैं एक इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर मैं स्ट्रिप्स को छोटी कर दूँ तो ये पूरा एरिया मैं भर के निकाल सकता हूँ, और फिर हर स्ट्रिप के लिए ये सबका विड्थ सेम रख दिया, और फिर हर विड्थ के लिए फोर्स कितना है, इसके लिए समझो F1 है, इसके लिए समझो F2 है, इस तरह से मैंने निकाला। तो अब क्या करूँगा, हर छोटी छोटी स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा, जैसे F into dx करूँगा, F into dx, तो F1 dx प्लस
एफ टू डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स, ऐसा मैं सबको ऐड कर दूंगा। तो सबको अगर ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वर्क डन। इवन इन दिस वेरिएबल फोर्स आई कैन गेट द वर्क डन। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस एज अ समेशन ऑफ एफ आई डी एक्स, वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम वन अप टू द एन, जितने भी हो गए स्ट्रिप बनी उस तक। तो ये हो जाएगा एक सम ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स। पर इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है, देखो हर बार तो आप इतने स्ट्रिप्स बनाते नहीं फिरोगे, तो इसके ऊपर एक नया तरीका पता चला न्यूटन साहब को, वो था कैलकुलस का, और कैलकुलस में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको चीज़ों का एक्यूमुलेशन बताता है कि टोटल कितना हो जाएगा, इवन इफ द वन वेरिएबल इज वेरिंग, एक वाली वैल्यू जो है वेरी हो रही तब भी वो उसको बताएगा। तो दैट इज, समझो ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ एस वन से और एस टू तक पहुँचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल डू द इंटीग्रेशन फ्रॉम एस वन टू एस टू ऑफ एफ इन टू डी एक्स। तो ये एक तरीका पता चला हमको बाद के दिनों में कि इस वेरिएबल फोर्सेस का अगर वर्क डन निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं एफ इन टू डी एक्स की तरह से। ये बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी, पर इसको निकालने के लिए कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ फार्मूले यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, और जिनका मैथ है उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, जिनका मैथ नहीं है वो ध्यान रखे कि इंटीग्रेशन, इसको क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में ये जो सिंबल है ये सम से आया, सम मतलब सबका समेशन, तो यस का सिंबल है ये जो इंटीग्रेशन को इंडिकेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, अगर ऐसा कुछ है आपको दिया हुआ, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। ये फार्मूला इसको आपको याद करना है, मैथ वालों को तो ये सब आएगा ही, पर जो मैथ जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस तरह से कुछ फार्मूले आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देख लो। हाउ वी विल इम्प्लीमेंट दिस टू फाइंड आउट द वर्क डन। मान के चलो आपको एक वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन में आपकी बॉडी जो है वो ए से आप मान के चलो सी तक मूव कर गई, ए टू सी मूव कर गई। यहाँ की पोजिशन को हम मानते हैं एक्स वन, और यहाँ की पोजीशन को हम मानते हैं x2, इतना वो मूव कर गई। और जब वो मूव कर रही थी तो फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, तो चेंज हो रहा था। तो मान के चलिए यहाँ पे एक फिक्स कर दिया मैंने डिस्टेंस x, x डिस्टेंस पर फोर्स भी फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर का फोर्स भी फिक्स हो जाएगा। फोर्स क्यों फिक्स हो जाएगा, क्योंकि फोर्स वेरी हो रहा है डिस्टेंस के साथ में, और अगर डिस्टेंस फिक्स हो गया तो फोर्स भी फिक्स हो गया। तो हम इसको कांस्टेंट फोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं जब मैं कोई डिस्टेंस को फिक्स कर दूंगा। तो ये एफ हो गया फिक्स मतलब कांस्टेंट फोर्स, और इसके बाद में बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने दिया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो होगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया टी एक्स से, तो ये डी एक्स से डिस्प्लेस जब करूँगा तो डिस्टेंस ही इतना छोटा है, निग्लिजिबल डिफरेंस है, और निग्लिजिबल डिफरेंस है तो ये एफ भी निग्लिजिबली चेंज होगा। तो ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट हम मान सकते हैं कि ये फोर्स फिक्स था, कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट फोर्स का हमारा नियम है एफ इंटू एस, और फिर ऐसा हम अज्यूम करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा। तो स्टेप्स में आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपको कोई भी एक डिस्टेंस फिक्स करना है, उसके लिए एक फोर्स लिखना है, और उसको बाद में थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है dx, तो आपको एक वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है ना। खैर अब मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल टेक्स्ट बुक से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक। तो हम देखते हैं
एफ इज 1/2 x, अगर एफ है 1/2 x, ये दिया हुआ है 1/2 x, और आपको निकालना है वर्क डन बिटवीन, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन फिर बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 5, x1 इज इक्वल टू 2, 2 x2 इज इक्वल टू 5, मान के चलो ये सब मीटर में है और ये है न्यूटन, मतलब सब ऐसा यूनिट है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा इंटीग्रेशन करोगे इसका, क्योंकि आपको फंक्शन दिया है x का, तो आप लिखोगे एफ इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, कहाँ से कहा था कि x1 से लेके x2 तक, तो फ्रॉम x1 टू x2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा टोटल वर्क डन। तो जब आप ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एफ क्या है 1/2 x, तो इंटीग्रेशन 1/2 x डी एक्स, और ये x1 से लेके तो x2 तक, यहाँ देखो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, पर बचा क्या था x, और x का आपको अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसको देखिए x पावर n, तो यहाँ n में 1 मिलता है और नीचे आकर n में 1 मिला देना है, तो यहाँ पे पावर कितना है 1, तो 1 अगर पावर है तो आप क्या करोगे x को 1+1 करोगे और नीचे 1+1 करोगे, ये जो 1 है ये n की जगह पे है, यहाँ n की जगह पे 1 है, और प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फिक्स्ड इंटीग्रेशन है, मतलब ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, जब कोई लिमिट दी रहेगी तो आपको ये सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये हो जाएगा, इसका लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए x1 x2, बोलो x1 कितना है 2 और x2 कितना है 5, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू को लिख लो, कितना होता है ये 1/2 x² / 2 x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 5, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो पहले x की वैल्यू 5 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5² / 2 माइनस, फिर x की वैल्यू 2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2² / 2, देखो कितना हो रहा है, ये 2 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कहलाएगा 1/4, और ब्रैकेट में बचेगा 5² 25 माइनस ये 2² 4, मतलब ये हो जाएगा 21/4 जूल। तो ये इस तरह से हम वर्क डन निकाल पाएंगे। अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि अगर बॉडी ए डज वर्क ऑन बॉडी बी, तो ये ने अगर बी पे काम किया तो ये लूज द एनर्जी एंड बी गेन इट। ओके, ये गेन अगर बॉडी मूव कर रही है तो, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो उसके वेलोसिटी के चेंज में, मतलब काइनेटिक एनर्जी के चेंज में अपीयर होगा, तो आपने जो भी वर्क डन करेंगे बॉडी को मूव करने के लिए, तो वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होना चाहिए। तो वर्क डन कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग हाउ मच चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस, तो दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ये होगा, स्टेटमेंट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर अभी आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वर्क डन निकालते कैसे हैं। तो वर्क डन निकालते हम इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स से, एनी डाउट? ओके, उसको आगे बढ़ने के पहले कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमने वो कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे, तो हमको ये पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, बोलो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम dv/dt, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, मतलब dx/dt, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी का सिंबल है v और इसका सिंबल है a। चलो अब हम देखते हैं f क्या होता है, तो f कैन बी रिटन एज m इंटू a, सो व्हाट इज a, ये कैन बी रिटन एज dv बाय
डीवी बाय डीटी। अच्छा यहाँ पे एक चतुराई करते हैं, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है और वो एडजस्टमेंट इस तरह से है कि एम डीवी बाय डीएक्स फिर डीएक्स फिर डीटी। डोंट रीड दिस पार्ट, इस पार्ट को आप मत पढ़िए, इस पार्ट को मत पढ़िए, तो आप क्या पढ़ पाओगे, यू विल बी एबल टू रीड डीवी बाय डीटी और ये डीएक्स बाय डीएक्स को कैंसिल होने वाला ही है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इट इज वैलिड इन मैथमेटिक्स। पर इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एम और डीएक्स बाय डीटी क्या है, डीएक्स बाय डीटी है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वी, और फिर डीवी बाय डीएक्स, डीवी बाय डीएक्स। एनी डाउट? ओके, बट दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्स। अगर ये डीएक्स इधर आ गया तो ये हो जाएगा एफ इन टू डीएक्स, इधर क्या बचा एम वी डीवी। तो अब ये एफ डीएक्स यहां रख सकते हो आप, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डीवी। और मान के चलो वेलोसिटी चेंज हुई वी वन से लेके तो वी टू तक, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी तो आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर पाओगे, तो यहां पे वी वन से वी टू तक वेलोसिटी चेंज होगी। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मास कांस्टेंट है, वी वेरी होगा डीवी के साथ, तो वी के लिए आप लिख पाओगे, पहले तो मैं एम लिख देता हूं, उसके बाद में वी स्क्वायर बाय टू। कुछ डाउट है आपको, इसके पहले हमने एक्स डी एक्स निकाला था लास्ट एग्जाम्पल में, तो एक्स डी एक्स के लिए हमने लिखा था कि एक्स स्क्वायर बाय टू होगा। अगर फिर भी आपको चाहिए फार्मूला, तो फार्मूला है एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इस तरह से होता है प्लस सी। तो सी तभी लगाते हैं जब ये इनडेफिनाइट हो, अगर यहाँ पे कोई लिमिट दी है तो सी लगाने की जरूरत नहीं आपको। खैर, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है वी है और एन की जगह वन है और ये डी वी, तो इसका क्या होगा वी, ये वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय टू। तो वही मैंने वी स्क्वायर बाय टू लिख दिया और फिर लिमिट लिख रहा हूँ वी वन और वी टू, बोलो क्या होगा। यहाँ आप देख रहे हो कि पहली दफा क्या होगा, ये वी की जगह वी टू लिखा जाएगा, तो वी टू स्क्वायर बाय टू माइनस फिर वी वन लिखा जाएगा वी वन स्क्वायर बाय टू, और इस तरह से वर्क डन बनेगा, वन बाय टू कॉमन निकाल दीजिए, वन बाय टू कॉमन निकाल दीजिए, और एम वी टू स्क्वायर, एम वी टू स्क्वायर माइनस वन बाय टू एम वी वन स्क्वायर, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वही हमारा स्टेटमेंट था, तो हमने उस स्टेटमेंट को प्रूव कर लिया, ठीक है ना। देखो जब टू ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे, दो बॉल ले लीजिए, दो कोई भी चीज़ ले लीजिए, दो बॉडीज आपस में जब टकराएंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर जाएगी, या उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। जब उसकी एनर्जी कंजर्व होगी, कुछ भी लॉस नहीं होगा, तो हम उसको इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, मतलब इलास्टिक कोलिजन की पहचान ये है कि उसमें एनर्जी डज नॉट लॉस, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी, मतलब कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है, मतलब वो एज इट इज है, मतलब टोटल एनर्जी बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पे लिख दीजिए इलास्टिक कोलिजन के लिए एनर्जी कंजर्व होती है, इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल। जैसे ये जो गैस के मॉलिक्यूल है, हम उसको इमेजिन कर लेते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जब टकराते आपस में तब उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, अगर एनर्जी लॉस होती है तो धीरे धीरे उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और सुबह आते हैं तो इस रूम में
सारे गैस मॉलिक्यूल का नीचे नीचे से फैले हुए मिलते हैं, जैसे कोई धूल मिलती है ना नीचे, उसी तरह से ये मॉलिक्यूल भी नीचे पड़े हुए मिलते, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दे डू नॉट लूज एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन। वैसे तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो परफेक्टली कॉलिजन देता हो इलास्टिक नेचर का। इलास्टिक नेचर का मतलब इलास्टिक कॉलिजन परफेक्टली होता हो, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ हो नहीं सकती। और दूसरी बात यह है कि इन इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो इसका जस्ट अपोजिट है। एग्जाम्पल तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कौन सा एग्जाम्पल है करके। अब यहाँ पर हम इन इलास्टिक का लेते हैं एग्जाम्पल, इन इलास्टिक कॉलिजन, तो इनका एनर्जी लॉस हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन के दौरान इनका एनर्जी लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल काउ डंग इसको अगर फेंक कर मार दिया आपने दीवार पर, क्या होगा? वो दीवार पे जाके चिपक जाएगा, बाउंस नहीं होगा। अगर बाउंस होता तो उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ उसको वापस मिली, पर ये जाके पूरा चिपक गया तो पूरी एनर्जी लॉस कर गया। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन अगर परफेक्टली है तो पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, जबकि चीज़ें इतने नॉर्मल नहीं होती है। एंड परफेक्टली इन इलास्टिक भी दुनिया में कुछ नहीं है, और परफेक्टली इलास्टिक भी कॉलिजन देने वाली चीज़ दुनिया में नहीं है, इसके बीच में ही चीज़ें होती हैं। खैर, तो अब हमारा इंटरेस्ट किस बात में है कि हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन को आप समझ। तो हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन को समझने के लिए आपको दो बॉडीज को कंसिडर करना पड़ेगा। देखो, इनके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जब हेड ऑन कॉलिजन होगा दो बॉडीज के बीच में, उनके मासेस m1 और m2 होंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटीज u1 और u2 होगी, तो बताइए बाद की वेलोसिटी कितनी होगी कॉलिजन के बाद? अगर वो परफेक्टली इलास्टिक है तो उसको निकालने के लिए हम एक डेरिवेशन बनाते हैं अभी, और वही आपको 2 या 3 मास के लिए या 4 मास के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या होगा? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटीज एंड मासेस ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग द हेड ऑन कॉलिजन, तो वो हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विथ वेलोसिटीज u1 एंड u2। तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि u1 और u2 से वो जा रहे हैं, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी हम कंसिडर कर लेते हैं एज शोन इन द फिगर। देखो, यहाँ एक फिगर में मैं दिखा देता हूँ, ये है मास, बॉडी ए है, उसका मास है m1, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है विद वेलोसिटी u, एक ही लाइन पे जा रहे हैं। और ये है एक अनदर बॉडी, उसका मास है m2, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी u2 और ये u1, ठीक है, ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब दूसरे स्टेप में हमको ये कंसिडर करना है कि ये जो u1 है ये बड़ा है u2 से, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है इससे, तो ये जाके उसको पीछे से टकरा जाएगा। सो दे आर मूविंग ऑन वन लाइन, हेड ऑन कॉलिजन का मतलब है कि वो एक ही लाइन पे आके टकराएंगे, एक ही लाइन पे। ऐसा नहीं होगा कि कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है बीच में टकराया, ऐसा नहीं, एक ही लाइन पे आके जो टकराएंगे तो उनको हेड ऑन कॉलिजन कहेंगे। तो कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग अलॉन्ग अ लाइन विद वेलोसिटीज u1 एंड u2, ठीक है, अलॉन्ग द लाइन, वो पॉइंट वहां पर डाल देना। लेट u1 इज ग्रेटर देन u2, क्या होगा? अगर u1 u2 से ग्रेटर है तो क्या होगा? द कॉलिजन टेक्स प्लेस। अगर कॉलिजन नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कॉलिजन टेक्स प्लेस, कॉलिजन हो जाने के बाद में, आफ्टर कॉलिजन, ये है बॉडी m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड दिस इज बॉडी m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2। चलो, ये v1 और v2 के साथ में जा रहे हैं आफ्टर कॉलिजन लेट v1 एंड v2 आर
their velocities. Are their velocities. Okay. अब ये बात भी पक्का हो गया। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये सेकेंड पॉइंट है कि उनके बीच में वेलोसिटीज चेंज हो रही है, अब V1 और V2 वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो पहला कंडीशन है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर बॉडी का इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का देखा जाए और बाद का मोमेंटम देखा जाए तो सेम होता है, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। इज दैट क्लियर? तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना है? तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये टोटल है। सो m1 u1 प्लस m2 u2 ये मोमेंटम है पहले वाला, और बाद वाला हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब आपको ये दिमाग में बात आ सकती है कि मैं इनको वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इनका डायरेक्शन एक ही है, एक ही लाइन पे जा रहे हैं, तो इसमें वेक्टर नहीं भी लिखा तो चल जाएगा। ठीक है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अगर आपने इस m1 को इधर लेकर आए तो क्या मिलेगा आपको? ये m1 और ये u1 माइनस v1 हो जाएगा, u1 माइनस v1, और इस साइड में होगा m2, यहाँ पे है v2, और ये u2 उस साइड जाएगा, इसलिए इसको माइनस कह दीजिए आप। तो अब आपके पास में ये इक्वेशन आ गया, इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन हम यूज करेंगे, ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, नाउ आई विल यूज सेकेंड कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन इट्सेल्फ ये है इलास्टिक कॉलिजन की। कौन सी? इलास्टिक कॉलिजन, मतलब इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? मेन बात क्या है इलास्टिक कॉलिजन की? कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो इन इलास्टिक कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब आफ्टर द कॉलिजन। तो यहाँ पे देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, तो ये 1/2 m1 u1 स्क्वायर, फिर 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब बिफोर द कॉलिजन। फिर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, तो ये होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। अच्छा, अब इनमें सब में 2 दिख रहा है ना आपको नीचे, तो सब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हम इस तरह से, जैसे यहाँ पे m1 को मैंने करीब लेकर आया, तो यहाँ पर भी m1 को m1 के साइड में लेकर आता हूँ। तो ये हो जाएगा m1 इन ब्रैकेट, दिस इज u1 स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2, और यहाँ आ जाएगा u2 स्क्वायर, सॉरी पहले तो v2 लेना पड़ेगा, तो ये v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, तो ऐसे में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी ये हम लिखते हैं। तो यहाँ पे u1 प्लस v1 और दूसरे ब्रैकेट में u1 माइनस v1 लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 इन ब्रैकेट
u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2, और यहां पे क्या लिखेंगे हम v2 प्लस u2। अब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड बाय वन, तो इसको अगर हमने एक से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट अब हमारे पास क्या आया वो देखो, हमें मिलेगा एम वन कैंसल विद द एम वन, यू वन माइनस वी वन, यू वन माइनस वी वन गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा यू वन प्लस वी वन, यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू, और इस साइड में m2 कैंसिल हो जाएगा और v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा v2 प्लस u2, तो यहां आ गया आपके पास में v2 प्लस u2। ओके, इनमें से v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पुट v2 इज इक्वल टू, v2 कितना हो जाएगा, v2 u1 प्लस v1 माइनस u2, ये वाली वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर वन में, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर वन, तो आपको अभी क्या मिलता है वो चेक करो, तो ये हो जाएगा एम वन इन ब्रैकेट यू वन माइनस वी वन, ठीक है, इज इक्वल टू एम टू, अब ये वी टू की वैल्यू यहां से लिखो, यू वन प्लस v1 माइनस u2, है ना, ये u2 जो है माइनस, ये यहां पे फिर से लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा, अब इनको हम अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 वी वन, और यहाँ देखो यू टू, यू टू दो बार आए, तो मतलब दो बार एम टू यू टू, अब यहाँ पे वी वन वालों को एक तरफ लेकर आते हैं, तो इसकी तरफ मैं लेके जाता हूँ, तो ये एम टू और ये एम वन इधर आ गया, तो प्लस हो जाएगा प्लस एम वन, मैंने इसको और इसको लिया है, ये दो को लिया और इसको इस साइड लेकर आया है, तो माइनस एम वन का प्लस एम वन हो गया और दोनों में वी वन है, तो ये v1 लिख दिया। अब इधर क्या होता है देखो, ये m1 u1 है और ये m2 u1 है, तो ये m1 माइनस m2 हो जाएगा, m1 माइनस m2 किसके साथ, ये वाला और ये वाला, m1 माइनस m2 और ये u1 कॉमन है, ठीक है, फिर ये जो वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस टू टाइम m2 u2। अब देखिए m2 प्लस m1 वैल्यू इसके नीचे लिखोगे तो v1 क्या मिलेगा, तो यू विल गेट v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये वाली वैल्यू m1 प्लस m2, और इसको ये u1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाय ये अगेन m1 प्लस m2, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है u2 से, तो ये क्या है, दिस इज द फाइनल, मतलब आफ्टर कॉलिजन वाला वेलोसिटी है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, फर्स्ट मतलब m1 बॉडी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज एंड देयर मासेस, शुरुआत की वेलोसिटी और मास अगर दिया है तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो हेड ऑन कॉलिजन के लिए, तो दिस इज वन थिंग। अगर यहाँ पुट v2 की जगह ये होगा इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है, टू आया क्या कहीं पर, नहीं आया, तो ठीक है इसको सेकंड मान लो, तो नहीं इसको आप मान लीजिए टू और इसको थ्री, ये थर्ड इक्वेशन है। सिमिलरली अगर आपने यहाँ v2 की जगह v1 लेना चाहा तो पुट v1 इज इक्वल टू, बोलो यहाँ से v1 क्या होगा, v2 प्लस u2, v2 प्लस u2
माइनस यू वन, ये वैल्यू पुटअप किए, इसी तरह से सॉल्व किया तो आपको मिल जाएगा वी टू। वी टू आपको मिलेगा टू टाइम्स एम वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इन ब्रैकेट यू वन प्लस, और ये वैल्यू वैल्यू जो है एम टू माइनस एम वन, तो ये हो जाएगा एम टू माइनस एम वन हो जाएगा एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू और यहाँ यू टू। तो इस तरह से वी टू मिलेगा आपको, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको ट्रांसफर करना है, रीअरेंजमेंट करना है, आपको ये मिल जाएगा। तो आपको क्या मिला, यू हैव गॉट द फाइनल वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी U1 और U2 के फॉर्म में मिल गए आपको। तो ये एक्सप्रेशन आपको तीन या चार मार्क्स के लिए पूछेगा एग्जाम में। अब हम देखते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन की कुछ विशेष बातें। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में हम ये देखते हैं किसमें एनर्जी लॉस हो जाती है ड्यूरिंग द कॉलिजन। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इज नॉट इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। तो ये एक फर्क आ गया। अब यहाँ ये पता चला कि जो वेलोसिटीज ऑफ द सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन जो है, मतलब वी टू माइनस वी वन, ये जो वैल्यू है ये प्रपोर्शन टू द वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ द अप्रोच दैट इज यू वन माइनस यू टू, इसके प्रपोर्शन में होता है। और अगर इस प्रपोर्शन के कॉन्स्टेंट को हमने ई मान लिया तो ये हो जाएगा यू वन माइनस U2, so what is the value of E? E will be V2 minus V1 divided by U1 minus U2. तो at least ये एक ratio constant रहता है ना? तो इसको आधार मानकर we can study or talk about the inelastic collision. तो inelastic collision को पकड़ने का, उसको समझने का एक ही तरीका है कि वहाँ पर ये दो velocities जो है, velocity of departure मतलब सेपरेशन और वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच, ये रिलेटिव वेलोसिटीज ये खास प्रपोर्शन में होती है और उसी को हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन होगा फॉर इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई इज इक्वल टू आपको वन लेना है। ठीक है, फॉर ऑल अदर बॉडीज, फॉर ऑल अदर बॉडीज ये वैल्यू ई की जो है इट लाइज बिटवीन वन एंड जीरो फॉर ऑल अदर बॉडीज। हम केयरफुल एक्सपेरिमेंट करके हर बॉडीज के लिए ई कितना होता है वो भी निकाल सकते हैं और ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो यही एक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आप इन इलास्टिक कोलिजन का थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं इसको समझिए। मान के चलिए अब हम एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्यूडो फोर्स के केस में इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, ये एक है और ये लोग बैठे हैं, ये दो पैसेंजर बैठे हुए और ये दोनों पैसेंजर जो है वो आपस में चाय की प्याली एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपस में तो कोई वेलोसिटी में नहीं है बट उनका ये जो रेफरेंस है ये वाला ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, नॉट इन अ यूनिफॉर्म मोशन, नॉट ये यूनिफॉर्म मोशन। तो ये गाड़ी जो है, ये डब्बा जो है, ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। तो ये लोग एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के मोशन को समझने के लिए जिस डब्बे का फ्रेम के रूप में विचार कर रहे हैं कि वो ट्रेन के वो जो बोगी है उसके खिड़की के पास बैठा है तो घंटे भर से वहीं पे बैठा है, तो उस आदमी की पोजीशन को निश्चित करने के लिए उसने ट्रेन की बोगी का सहारा लिया, मतलब उसने रेफरेंस किसको माना, इस डब्बे को। और अगर ये डब्बा यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वह एक्सेलरेटेड हो जाएगा, मतलब ये जो फ्रेम है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक प्रॉब्लम है। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये लोग यहाँ से अभी बातें ही कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है उनके सामने,
अचानक इस डब्बे की स्पीड कम हो गई, एक्सेलरेट हो गया, तो ये बॉल आगे चला जाएगा अपने आप। तो ये लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये आगे कैसे चला गया। तो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। न्यूटन कहते हैं कि बॉडी को तभी एक्सेलरेशन आएगा जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा पीछे साइड से। इस साइड से एक फोर्स लगना चाहिए, है क्या वहां पर? नहीं है, तब भी वो काम कर रहा है। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम वह होता है जिसमें न्यूटन्स लॉज फेल हो जाते हैं। इसमें फेल हो गया, न्यूटन लॉ काम नहीं करेगा। पर देखिए मैं यहां पे हूं, यहां पे ये डस्टर अगर रखा है तो कभी भी ये डस्टर अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब तक मैं इसको कोई रियल फोर्स अप्लाई नहीं कर दूं। तो ये रियल फोर्स मैं अगर अप्लाई कर दूं तो ही हिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस रेफरेंस का मैं सहारा ले रहा हूं, वो जो मेरे सराउंडिंग के पास है, वो सारा यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब अर्थ यूनिफॉर्म मोशन से सन के अराउंड घूम रही है। तो मेरा जो रेफरेंस है वो इनर्शियल है। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए या फिर एट रेस्ट होना चाहिए, दो में से कोई तो भी होना चाहिए, तो ही वहां पर न्यूटन के सारे लॉज अप्लाई होंगे। ठीक है, तो एक तो बात है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये फ्रेम खुद इनर एक्सेलरेशन में है और इसीलिए ये न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं होते यहाँ पर, और ये यूनिफॉर्म मोशन में होता है ये रेफरेंस फ्रेम, और यहाँ पर न्यूटन के लॉ फॉलो होते या फॉलो नहीं होते। इसलिए न्यूटन के लॉज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे एक सूडो फोर्स आप इमेजिन कर लीजिए। तो सूडो फोर्स एग्जिस्ट करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और इनर्शियल फ्रेम में सारे के सारे रियल फोर्सेस होते हैं।